ऐसा वैसा रॉकेट नहीं है। इस रॉकेट को इस घर में जलाऊंगा तो ये सीधा उड़कर 100 किलोमीटर दूर मेरे घर में जाकर गिरेगा। इतना खतरनाक रॉकेट है ये। ये छोड़, तू ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप कौन? आपको पहचाना नहीं। अच्छा बेटा, पढ़ाई का नाम लिया तो मेरे को भूल गया। बेटा मैं तेरा मामा हूँ। मामा ला बम पटाखे वापस कर, कर जल्दी कर। अरे मामा जी आप तो गुस्सा हो गए। गुस्सा मत करो, मुझे कोई मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बातचीत तो होती रहेगी। चल बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ बहना, जा एक कड़क चाय बना दे। बिट्टू के पापा दुकान से बिस्कुट लेके आओ, मेरा भाई चाय के साथ बिस्कुट खा लेगा। क्यों, बिना बिस्कुट के चाय पी नहीं जाती? नौकर हूँ मैं इसका। बिस्कुट ला। बहना रहने दे, जीजा जी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर मेरा पेट भर गया, अब चाय पीने का मन नहीं है। हाँ तो मत पी, तेरे कोई हाथ जोड़ रहा है कि पीले 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 चाय पीले। बिट्टू के पापा हर टाइम क्या है ये, जब देखो मेरे घर वालों को ताने देते रहते हो, आज मेरा भाई आया है तो उसकी बेइज्जती कर रहे हो, शर्म नहीं आती? जा भाई तू जा, अपने घर जा, जा तू घर जा। हाँ जा 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 जा। ए जीजा जी मैं चले जाऊंगा। हाँ तो जा, कौन रोक रहा है? मैं चले जाऊंगा। हाँ तो जाना। कोई बात नहीं बिट्टू के पापा, कोई बात नहीं। मेरे भाई जब तेरे जीजा जी कभी तेरे घर आएंगे तू भी ऐसे ही करना। क्यों, तेरा भाई कोई प्रधानमंत्री है जो मैं इसके घर जाऊंगा? घर जाऊंगा वो भी इसके? बहुत बेइज्जती कर दी जीजा जी ने, मुझे अभी जाना है, मुझे जल्दी जाना है। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मामा आप बोल रहे थे ये रॉकेट इतना खतरनाक है, इसको यहाँ जलाएंगे तो ये सीधे आपके घर पहुँचेगा, तो मैं इसको जला देता हूँ, आप इस पर लटक कर घर चले जाओ। हाँ ये तू सही बोल रहा है, ले जला इसको। हाँ हाँ जलाता हूँ।